हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बाय सब्स्टिट्यूशन। कुछ चार पांच हमारे पास सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इस चीज को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। So we can write integration of 10x. 10x can be written as sin x divide by cos x dx. कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। सो एज्यूम करेंगे कि cos x इज इक्वल टू t। क्यों एज्यूम करेंगे? क्योंकि अगर cos x t एज्यूम करते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x होता है। अब देखिए, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सो माइनस साइन एक्स डी एक्स, सो दिस इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। साइन एक्स डी एक्स न्यूमेरेटर में है हमारे पास, सो वी कैन राइट हियर दिस इंटीग्रेशन एज, ध्यान से देखेंगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स, ओके, डिवाइड बाय हम लोग कॉस एक्स करेंगे, ओके, और चूंकि माइनस लगा है तो यहां पे एक माइनस साइन हमें देना होगा जिससे कि माइनस माइनस प्लस हो जाए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस सेम फंक्शन आ जाएगा, और यहां पे ऐसा करने से ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, सो दिस इज डी टी ओवर कॉस एक्स इज टी, ओके। सो ये हो जाएगा हमारा माइनस लॉग मॉड ऑफ टी, मॉड ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी, राइट। और t हमने किसे माना है? t हमने माना है cos x को, सो माइनस log mod of cos x, ओके, mod plus c, सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस log mod of cos x plus c, ओके। अब एक चीज और देखिए, अगर ये माइनस है, अगर रिवर्स में चला जाएगा तो cos का पावर कितना हो जाएगा? टोटल पावर माइनस वन, दैट इज वन ओवर कॉस एक्स। वन ओवर कॉस एक्स क्या होता है? सेक एक्स होता है। सो माइनस साइन अगर हटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका? इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स का, इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन से हम लोगों ने देखा है। चलिए दूसरा देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। अगर टेन एक्स का निकाल सकते हैं, दूसरा देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx। So can we write cot x as cos x divide by sin x? Same चीज चलेगा dx। So यहां पे sin x is equal to हम लोग assume करेंगे t। So sin x का differentiation हो जाता है cos x dx is equal to dt। So cos x dx को लिख सकते हैं हम लोग dt divide by sin x को हम लोग लिख सकते हैं t। सो ये अगेन हमारा क्या हो जाएगा? log mod of t, यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा, और t किसे हम माने हैं? हम assume किए sin x को, प्लस constant term c, so we can further write it as log of mod sin x plus constant term c। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, क्लियर। दूसरा हो गया, तीसरा है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, sec x dx, sec x dx, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसका फॉर्मूला निकाला, ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x, और यहां पे हम लोग न्यूमरेटर को sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि हम लोगों ने sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई किया है, सेम चीज से हमें डिवाइड भी करना होगा, sec x प्लस 10x से हम लोग डिवाइड भी इसको कर देते हैं, और ये इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों किया? अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऐसा इसलिए किया कि अगर sec x प्लस 10x को हम मानते हैं z, सो z इज इक्वल टू sec x प्लस 10x, सो इफ वी डिफरेंशिएट, सो वी हैव dz, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan स्क्वायर x, ओके, सॉरी sec x का डिफरेंशिएशन tan स्क्वायर x, और tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10x into sec x, और 10x यहां पे sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर sec x into 10x, sec x into
tan x and tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। ऐसा करने से हमारे पास sec x कॉमन आ जाएगा और बचेगा इसमें से sec x, ठीक है, प्लस tan x। तो मतलब क्या हुआ कि अगर इसे हम z मानते हैं तो ये पूरा ऊपर sec x into sec x plus tan x dx, ये हमारा क्या बन जाएगा, dz बन जाएगा। So we can write it as dz over z, so we have log of mod of z plus constant term c, so log mod of z is sec x plus 10x, so we have sec x plus 10x plus constant term c। I hope आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। और एक और लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें फॉर्मूला है, आप फोर्थ यहां पे लिख देते हैं, so integration of cosec x। अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या कर सकते हैं इसके लिए, कैसे निकालेंगे कॉसेक एक्स डीएक्स। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया है, वैसे ही हमें यहाँ पे कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड करना होगा कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से, ठीक है, dx। क्यों किया, क्यों, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये निकल के आता है बार बार कि ऐसा क्यों किया। अगर क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे तो फिर समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। ऐसा इसलिए किया कि अगर इस फंक्शन को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ना cos x, cosec x प्लस cot x को, ठीक है, तो आपके पास cosec x into cosec x plus cot x dx आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद। और जब आप इसे अरेंज करेंगे जैसा कि यहां पे हम लोगों ने अरेंज किया, तो अगेन ये log t के फॉर्म में आ जाएगा, फिर जो t हम ज्यूम करेंगे cosec x plus cot x को वहां पे पुट करेंगे। तो ये आपके होमवर्क के लिए, इस फॉर्मूला को आप खुद से ड्राइव कीजिए क्या आता है, जो भी आएगा आप समझ में आया था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये चार फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, cosec x का इंटीग्रेशन होता हो जाता है log mod of cosec x minus cot x plus constant term c। यहां पर देखिए cosec x minus cot x आएगा, ठीक है, cosec x minus cot x, लेकिन यहां पे हमारा sec x plus tan x आ रहा है। तो यहां पे ध्यान रखना है क्यों आता है, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करते हैं ना cosec x को तो माइनस में आता है, आप ध्यान से देखेंगे वहां पे निकल जाएगा। तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको ये होमवर्क के लिए, आप इसे होमवर्क में करके लाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।